शशि थरूर ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत की बधाई भी दे दी। कांग्रेस अध्यक्ष बनना ये बड़ा सम्मान है, ये शशि थरूर की तरफ से कहा गया, बधाई दी गई मल्लिकार्जुन खड़गे को। दो ही चेहरे थे जिनके बीच में यह मुकाबला हो रहा था, एक तरफ थे मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरी तरफ थे शशि थरूर। और 17 तारीख को वोटिंग हुई, आज नतीजों का दिन। नतीजे अभी औपचारिक रूप से उसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही शशि थरूर ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और देखिए जश्न भी मनाया जाने लगा। शशि थरूर ने हार स्वीकार कर ली है, मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत की बधाई भी दे दी है। अभी नतीजों का औपचारिक रूप से ऐलान हुआ नहीं है, वोटों की गिनती जारी है, लेकिन जितने वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलते नजर आ रहे हैं उसके बाद शशि थरूर को ये साफ साफ नजर आ रहा है कि अब यहाँ से उनकी जीत संभव नहीं है। जो खबर है वो ये कि 9,500 डेलीगेट्स ने वोट किया था, जिसमें से 8,000 से ज्यादा वोट तो मल्लिकार्जुन खड़गे को मिल गए। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऐसे में शशि थरूर ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई भी दे दी। अभी औपचारिक ऐलान बचा हुआ है, वो होना बाकी है, लेकिन शशि थरूर ने हार स्वीकार की है और ये भी कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष बनना ये बड़े सम्मान की बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे को मैं बधाई देता हूँ। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे थे, दूसरी तरफ शशि थरूर थे। पहले से ही इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जीतना एक औपचारिकता मात्र है, एक फॉर्मेलिटी मात्र है, क्योंकि पार्टी के अंदर से खासतौर से परिवार की तरफ से पूरा समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे को मिल रहा है। जिस वक्त वोटिंग हो रही थी उससे पहले भी शशि थरूर की तरफ से कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस तरीके से सपोर्ट और समर्थन पार्टी के भीतर से मिल रहा है, ऐसा समर्थन मेरे लिए नहीं है। खड़गे अब होंगे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष। 24 साल में पहली बार गांधी परिवार से बाहर का कोई शख्स जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर काबिज होने जा रहा है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटक के बीदर जिले से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे, उनका अध्यक्ष बनना तय हो गया है। 9,500 डेलीगेट्स ने वोट किया, 8,000 वोट अब तक खड़गे को मिल गए। रवि त्रिपाठी के पास चलते हैं, कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं रवि और जश्न शुरू हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको फाइनल आंकड़ा बताना चाह रहा हूँ, एक्सक्लूसिव जानकारी अपने पास है। फाइनल आंकड़ा यह है कि कुल 9,500 के आसपास वोट पड़े थे, उसमें खड़गे को 7,897 वोट खड़गे को पड़े हैं, थरूर को 1,072 1,072 वोट थरूर को पड़े हैं, और जो इनवैलिड वोट है 416 वोट इनवैलिड हुए हैं। तो ये फाइनल आंकड़ा आ गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो चुके हैं, निर्वाचित हो चुके हैं, इलेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन थरूर ने भी अच्छा मुकाबला किया है, 1,072 वोट लेकर आया है थरूर। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि 416 वोट मैं दोबारा आंकड़ा बताना चाहूँगा, जो वोटिंग का आंकड़ा है फाइनल, मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को पड़े हैं, शशि थरूर को 1,072 वोट पड़े हैं, और इनवैलिड वोट जो है 416 इनवैलिड वोट है। लगभग 9,500 वोट पड़े थे, टोटल जो वोट थे वो 9,915 थे, और उसमें जो आंकड़ा निकल के आ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीत गए हैं। अब इस बात का ऑफिशियल ऐलान पार्टी की तरफ से थोड़ी देर में किया जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको ढोल नगाड़े दिखाया जाएगा। ये देखिए ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है, इधर ये ढोल नगाड़े बज रहे हैं, दूसरी तरफ कहीं आप देखिए भीड़ भी आ रही है, ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया जा रहा है। आप लोग कहाँ से आए भाई, कहाँ से आए आप? चाहूंगा आपको कि कांग्रेस दफ्तर में जिस तरह से जो बाकी है ना सिवाय
कांग्रेस के लड़के हैं वो यहाँ आए हुए हैं और वो कहीं ना कहीं झंडा दिखाकर अपना स्वागत कर रहे हैं नए अध्यक्ष का। थोड़ी देर बाद इसका जब ऐलान होगा, अभी तो फिलहाल जो उनके एजेंट हैं खड़गे साहब के वो अंदर मौजूद हैं, चाहे वो प्रमोद तिवारी हो, चाहे आपको गौरव गोगोई हो, तमाम नेता अंदर मौजूद हैं। और देखिए यूथ कांग्रेस के ये लोग आए हुए हैं। और कहाँ है भाई आप लोग? यूथ कांग्रेस किसके लिए आए भाई? हम खड़गे हैं, लेकिन ये देखे ये सबसे बड़ी जो है आज उन लोगों के मुंह पे तमाचा जिन्होंने कहा कि वंशवाद चल रहा है कांग्रेस में। कांग्रेस भी वंशवाद नहीं करती, कांग्रेस चुनाव सही करती है। लोगों को बेवकूफ बना गया कि कहना चाहेंगे। देखिए पूरा माहौल बना हुआ है कांग्रेस अब तक लगातार आ रही है और इस तरह से ये देखिए यहाँ वोट लेकर के विजयी घोषित हुए हैं। मैं खड़गे जी को बधाई देने आया था और खड़गे जी के साथ साथ कांग्रेस के सभी नेताओं, सभी कार्यकर्ताओं और पीसीसी के सभी डेलीगेट्स जो वस्तुतः वोटर थे, उन सारे वोटर और मतदाताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि कांग्रेस के अंदर एक बहुत सुंदर एक जनतांत्रिक प्रक्रिया की मिसाल हम लोगों ने पेश की है और ये मिसाल अब बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के सामने एक चुनौती बनकर के उभर करके आता है। उन पार्टियों को भी अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक मिसाल पेश करना है तो उनको भी अपने अध्यक्ष का चुनाव कराना चाहिए। मुझे नहीं लगता, मैं स्वयं पंजाब में पीआरओ करके था, वहां पर मैंने चुनाव कराया है, बहुत ज्यादा ऐसी कोई गड़बड़ी वगैरह नहीं हुई है। कुछ लोगों ने अगर कुछ वोट आगे पीछे हो गए होंगे तो निश्चित तौर पर अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि उस पूरे प्रकरण की जांच करें। लेकिन शशि थरूर से मैं निवेदन करूंगा कि आपने एक बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी और बहुत अच्छा चुनाव लड़े और आपने अब चुनाव हारने के बाद एक 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 मतलब अंगूर खट्टे हैं मत करिए, अब इसको स्वीकार करिए। आपके परिवार के अंदर का चुनाव था, इसको सहर्ष बड़े दिल से स्वीकार करिए। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।